आपके शरीर पर कई स्थानों पर बाल होते हैं। कई लोगों को अपने बाल पसंद भी होते हैं, लेकिन जब मुंह में बाल आ जाता है तो हालत खराब हो जाती है। आप उसके बारे में सोचिए जिसके मुंह के अंदर दांतों और मसूड़ों में बाल निकल आए। इटली की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ है। उसके दांतों और मसूड़ों के बीच बाल उग आए हैं। इटली की एक 25 वर्षीय युवती के मुंह में दांतों और मसूड़ों के बीच बाल उग आए हैं। दांतों और मसूड़ों, ये एक बेहद दुर्लभ बायोलॉजिकल स्थिति है। इसे लेकर डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टरों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। इटली के डॉक्टरों का मानना है कि इसके लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नामक दुर्लभ बीमारी जिम्मेदार हो सकती है। कुछ डॉक्टर इसे गिंगिवल हर्सुटिज्म बीमारी भी बता रहे हैं। इसमें शरीर के ऐसे हिस्सों में बाल उगाते हैं जहां नहीं होने चाहिए। हालांकि अभी तक इसका सही कारण डॉक्टर पता नहीं कर पाए हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बीमारी के चलते लोगों के शरीर में उन अंगों में भी बाल निकल आते हैं जहां नहीं निकलने चाहिए। इसका इलाज 10 सालों तक चलता है। इलाज की प्रक्रिया में हार्मोन्स के स्तर को सुधारा जाता है। इटली की ये महिला 2009 में भी गले और ठुड्डी में बाल उगने की समस्या लेकर डॉक्टरों के पास गई थी। इटली की जिस महिला के मुंह के अंदर दांतों और मसूड़ों में बाल निकले हैं, उसे 15 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की दिक्कत सामने आई थी, लेकिन उसका इलाज हो चुका है। डॉक्टरों ने अब उसके मसूड़ों के क्यूतकों की जांच भी की, लेकिन कोई कारण पता नहीं चल पा रहा है। इसे करीब 27 लाख लोग देख चुके हैं। PM News 24 की रिपोर्ट।